जय मंगल अठ गाथा नंबर एक। ये जो अठ गाथा है, यानी कि आठ गाथाओं में जो पहली गाथा है, पहली कहानी है, यह उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के नीचे, यानी जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि उनके बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। उस पेड़ के नीचे जब बैठे हुए और विपस्सना साधना ध्यान में रत थे, तपस्या कर रहे थे, तप में रत थे, उस समय वो अपनी सारी बुराइयों को बाहर निकाल रहे थे। सारी बुराइयों को एक शब्द में जो बोला जाता है वो मार बोला जाता है, और जो बुराइयों का पूरा समूह होता है उसको मार सेना बोलते हैं। मार का वीडियो आप देख लें, उसमें मार के बारे में बहुत अलग तरीके से और विस्तृत रूप से, विस्तारित रूप से ज़्यादा बताया गया है। तो ये उस समय की गाथा है, कैसे उन्होंने मार को पराजित किया और कैसे नहीं, ये उनकी स्तुति में, उनके गुणगान में गाई जाती हैं। जो आठ गाथा हैं, आठ कथाएं, कहानी हैं, उनमें से ये पहली है। दो पहले बताई जा चुकी हैं, आप टीम 22 के वीडियो पे देख सकते हैं। ये इस प्रकार है। बाहुं सहस्रमभिनिमित सावुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु तेजया मंगलानि। ये बहुत सुर में गाई जाती हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बुद्ध की स्तुति में गान करते हैं, ये उनकी पहली गाथा है। आप इसको नेट पर चेक कर सकते हैं। इसको नारी की आवाज़ में, नर की आवाज़ में, बहुत सारे देश विदेशों में ये गाई जाती हैं। इनको जय मंगल गाथा बोलते हैं या जय मंगल अठ गाथा बोलते हैं। अठ माने आठ। इसमें जो शब्द है बाहु, सहस्रम मिभिनिमित, बाहु का मतलब होता है बाजू, यानी कि जो शरीर में बाजू होती है जिसको हम हैंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाहु। सहस्रम अभिनिमित दो शब्दों से मिलकर बनता है। सहस्र माने होता है हजारों, और अभिनिमित, अभिनिमित का मतलब है अभिनिर्मित, यानी उनसे निर्मित हुआ। बाहु सहस्र अभिनिमित, अभिनिमित का मतलब है उसके निर्माण हुआ, निमित हुआ है, निर्माण हुआ है। किससे? सावुधंतंग। सावुधंतंग का मतलब है से आयुध वंतु। से आयुध वंतु का मतलब है, से माने साथ, आयुध माने हथियार, हथियारधारी है जिसकी हजारों बाजुआ हैं, जिसके हजारों हाथ हैं, हथियारों के साथ में निर्मित है, बना हुआ है। ये मार का वर्णन हो रहा है। बेसिकली मार को एक मनुष्य का रूप में, आकृति के रूप में, कहानी के रूप में दिखाया गया है कि एक ऐसी मार है जिसके हजारों हाथ हैं और हजारों हाथ में हथियार हैं। गिरिमेख लंग उदित घोर ससेन मारंग। गिरिमेखलंग, जिस हाथी पे इस मार को दिखाया गया, यानी जो व्यक्ति है, इसको देवपुत्र भी बोला गया है कथाओं में, देवपुत्र मार, यानी ये जो व्यक्ति है जो मार सेना का संचालन कर रहा है, ये एक गिरिमेखल नाम का जो हाथी है उसके ऊपर सवार है। ऐसा आप चित्रों में भी देखेंगे, अगर मार के चित्र ढूंढेंगे MAAR करके नेट पे, तो आपको बुद्ध बैठे हुए बीच में दिखाई देंगे और चारों तरफ उसमें सेनाएं होंगी, उसमें नारी भी होंगी, रूप सौंदर्य वाली स्त्रियां भी होंगी, उसमें हाथों में हथियार लेके बहुत सारे कुरूप लोग भी होंगे, और एक व्यक्ति उसमें हाथी के ऊपर चलता हुआ होगा जो बुद्ध की तरफ मार रहा होगा। उसको हाथी को नाम दिया गया है गिरिमेखल, और जो मार है, जो उसका सेनापति है, उसको दिया गया देवपुत्र मार। ये काल्पनिक नाम दिए गए हैं, ऐसे कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो बुराई निकाल रहे हैं, बुराइयों का प्रतीक ये सब चीज़ दिखाई गई हैं पोस्टर में या फोटो में या कहानी के अंदर। ऐसा कुछ वहाँ है नहीं, वो पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए हैं और बुराइयों को देख रहे हैं और बुराइयों को निकालने की नहीं, विपस्सना से कोशिश कर रहे हैं। जो लोग विपस्सना में जाते हैं वो अपनी बुराइयाँ निकाल के देखते हैं कैसे निकलते हैं, बड़े स्पष्ट दिखाई देती हैं। उदित घोर ससेन मारंग। उदित घोर का मतलब है उदित हुआ हुआ, घोर माने घनघोर घटा, ससेन माने सैसेन सेना के साथ, ससेन ससेना यानी सेना के साथ, मारंग मार की सेना के साथ,
यानी हजार बाजुओं में, हजार हाथों में हथियार लेकर जो निर्माण हुआ है, जो देवपुत्र है सेना के साथ में, वो घोर है, सेना के साथ है, मार है, और गिरी मेखल जो हाथी है उस पर सवार है और क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध को मार रहा है। उनको कह रहा है कि तुम जो बुराइयां उनको मत निकालो, इन बुराइयों को रखो, ये बुराइयां आपके अंदर ही रहनी चाहिए, इनको बाहर नहीं निकलना चाहे कुछ हो जाए। बार 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 ये ठीक ऐसे है जैसे आपने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी शराब की बुराई को बाहर निकालता हूँ, और शराब को जब आप छोड़ेंगे तो आपको जगह जगह जो शराब के पोस्टर मिलेंगे, या आपके मन में जो शराब की बातें आएंगी, या जो शराब के स्वाद आएंगे, जो शराब की सारी चीज़ें आएंगी, जहाँ पिक्चर में कहीं शराब है, पोस्टर में शराब है, कहीं आप देख रहे हैं, तो आपको शराब बार बार अपनी तरफ खींचेगी। तो उसको खींचने के लिए बार 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 सारी ताकतें लगेंगी कि आप शराब पियो, और आप कोशिश कर रहे हो कि अब मैं शराब ना पीऊँ, तो ये आपस में झगड़ा चल रहा है आपके अंदर कि मुझे शराब नहीं पीनी है, और शराब कहती है कि पीनी है। दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो, दानादि धम्म विधिना, यानी दान देने की जो विधि है, जो उन्होंने दान किए हैं, पुण्य किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, उस विधि के द्वारा, उस टेक्निक के द्वारा जो उन्होंने अपने करुणाशील हृदय से सारे दान दिए हैं, उस विधि के द्वारा जित्वा मुनिंदो, यानी जो मुनिंद हैं, जो मुनि हैं, जो मुन जो क्योंकि शाक्य मुनि भी बोलते हैं उनको, जो शाक्य मुनि हैं वो जीत गए। तंग तेज सा भवतु तेज है मंगलानी, तंग तेज सा, इस तेज से तुम्हारा जय मंगल हो, यानी कि ये आपके लिए एक अच्छे वचन है कि तंग तेज सा भवतु तेज है मंगलानी, इस तेज से, इस बात के तेज से, इस प्रताप से आपका मंगल हो। ये है अट्ठकथा नंबर एक, जो बहुत ही फेमस है, जिसमें मार का वर्णन है, और मार का विस्तृत वर्णन देखने के लिए आप मार की जो वीडियो है उसको जरूर देखें, क्योंकि मार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे पूरे त्रिपिटक साहित्य के अंदर। अगर मार नहीं होगी तो धम्म भी नहीं होगा, यानी कि अगर मार नहीं होगी तो आपको ख़त्म करने का तरीका कौन बताएगा, और उसकी कौन आवश्यकता भी नहीं है। अगर मार नहीं होती तो बुद्ध किसको निकालते, किसको ख़त्म करते, फिर बुद्ध होते भी नहीं। इसलिए एक तरफ धम्म है, एक तरफ बुद्ध है, तो दूसरी तरफ मार है, दोनों ही बराबर ताकतवर हैं, दोनों की बराबर ताकत चलती है। इसलिए मार वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।